अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन थी ना हमारे आ, अभी थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह कुछ क्लिप्स अपने हेज़ टाउन की हेज़ जो है वो यहाँ बड़ा मशहूर टाउन है जो बिल्कुल हीथरो एयरपोर्ट के करीबी है और इसमें मिक्स किस्म की आबादी है इसमें इसमें एशियंस भी हैं और लोकल ब्रिटिश लोग भी हैं अफ्रीकन्स भी हैं और एक एक इंटरनेशनल सामने एक टाउन है समझिए यहाँ बस तमाम किस्म के लोग रहते हैं और ये लंदन की मशहूर बॉर है हेलिंगटन उसका ये एक पार्ट है और इसमें ए, हर किस्म की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं तो इसकी अगर आप अभी दे देखिए हम थोड़ी सी आपको क्लिप्स दिखाएंगे और सैर कराएंगे आपको यानी समझ लीजिए कि हमारे अपने घर से लेकर और हम टाउन तक कैसे जाते हैं ये आपको बताएंगे इसमें और टाउन में किस किस्म की मसरूफियात हैं वहाँ, वह है, किस वहाँ पर और क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही हैं किस किस्म की शॉप्स हैं वहाँ पर और लोगों की आमदोरफ़्त की क्या तफसीलत हैं गाड़ियों की पार्किंग कैसे होती है वहाँ पर और मुख्तु किस्म की दुकानें जो बुनियादी जरूरियात की चीज़ें क्या क्या हैं वो अभी आप हमको थोड़ी देर में आपको हम देखेंगे दिखाएँगे इसके हमारे इसके हमारे साथ रहिएगा और हमारे इस प्रोग्राम में आप फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और हमने पहले भी कहा है कि अगर आप भी इसमें शौक़ रखिए और आपको भी ऐसे अगर चीज़ें पसंद हैं ऐसे क्या नाम है मुखल मनाजिर आपको पसंद हैं और आप उसकी फिल्मी करते हैं अगर अपने uh, वीडियो के अपने मोबाइल के uh, कैमरे के ज़रिए से किसी और तरह से उसकी वीडियोज़ बनाते हैं तो हमें आप भेजिए और आपके प्रोग्राम को हम आपके आपकी वीडियोज़ को आपके नाम से हम इसमें नशर करेंगे और लोग इसमें इस इन शजॉय करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखिए कि हमारे हेज टाउन हेज टाउन लंदन uh, के जो बॉर ऑफ हेलिंगटन है उसका एक पार्ट है और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है और इसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की रहती है कि जो एयरपोर्ट में काम करते हैं आपको पता है हीदोल एयरपोर्ट दुनिया की दुनिया का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है लंदन का और एक दुनिया इसमें काम करती है लेकिन एक आज कल बहरहाल करोना की वजह से बड़ी यहाँ पर इसमें एक वीरानी है और लोगों की इसमें काफ़ी रोज़गार का भी फ़र्क पड़ा है तो ये तफसीरत अगर आप अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएँगे और आप इसको शौक से देखिए इसके मुख्तिक क्रिप्स को तो देखकर हमें अपनी अपनी राय से जरूर नवाजिएगा का, का बहुत बहुत शुक्रिया